रियलिज्म इज बोरिंग। हाँ, आप लोगों ने सही सुना। पिछले बहुत सालों से मैं पोर्ट्रेट ड्राइंग कर रहा हूँ और पोर्ट्रेट ड्राइंग में मैं फोटो रियलिज्म, रियलिज्म, हाइपर रियलिज्म के ऊपर बहुत सारे ड्राइंग ऑलरेडी कर चुका हूँ और अभी जाके मुझे लगता है कि रियलिज्म इज बोरिंग। बट रियलिज्म इज इम्पॉर्टेंट इफ यू आर अ बिगिनर और न्यू टू पोर्ट्रेट ड्राइंग। ओके, तो मैं खुद के लिए ऐसे रियलिज्म और हाइपर रियलिज्म के ऊपर तो ड्राइंग कम ही बनाता हूँ, पर आप लोगों के लिए मैं ये एक सीरीज लेके आए हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा पाओ कि कैसे रियलिज्म काम करता है, रियलिज्म में कैसे ड्रॉ किया जाता है और ड्राइंग में ओवरऑल एज एन आर्टिस्ट आर्ट करियर में रियलिज्म कैसे आपको हेल्प करता है। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे कॉमेंट किया था रियलिज्म के ऊपर एक ट्यूटोरियल लाने के लिए, तो मैंने ये जो रेफरेंस फोटो है इसे चूज किया है क्योंकि इसमें कलर, लाइट, शैडो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आया है। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं फेस का जो ऊपरी पोर्शन है यही पार्ट आप लोगों को एज अ शेड करके दिखाऊंगा। पूरा जो ड्राइंग है वो कुछ ऐसे स्टेप्स में, कुछ ऐसे ट्यूटोरियल्स में डिवाइडेड होगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझाया जा सके कि कैसे शेडिंग किया जाता है। और इसका जो आउटलाइन ट्यूटोरियल है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर जाना क्योंकि आउटलाइन ड्राइंग ट्यूटोरियल भी थोड़ा अलग तरीके से दिखाऊंगा। लूमिस मेथड नहीं, ग्रिड मेथड नहीं, थोड़ा अलग स्टाइल में, तो वो भी ज़रूर देखना। आज के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो पहले ही मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कितने दूर तक मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आज करके, ताकि आप लोग अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखो कि कैसे एकदम जीरो से इतना दूर तक मैंने बनाया है। ओके, तो चलो अभी शुरू करते हैं। सो रेफरेंस फोटो में यहाँ पर देखो जो ये फोरहेड का पोर्शन है उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ पर एक्स ऐसे शाइनी पार्ट है, तो उस शाइन को हमें लाना है। कैसे करेंगे देखो, मैं यहाँ पर स्टैडलर लुमोग्राफ ब्लैक 2B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके पास जो भी कंपनी का पेंसिल है उसका 2B पेंसिल ले लो। ओके, तो पहले हमें एंगल्स को फॉलो करना है क्योंकि ये एक हल्का एरिया है, तो इसमें हम लोग तीन लेयर में ही शेड देंगे पर तीनों लेयर को थोड़ा हल्का हल्का करके करेंगे ताकि फाइनल में जाके वो स्मूथ भी बने और जो डार्कनेस है वो ज़्यादा ना हो जाए। सो इस तरीके से फोरहेड के पोर्शन में फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर लिया है मैंने। देखो एंगल पूरा ऐसे हॉरिजेंटली है, साइड में ऐसे एंगुलर है। तो फर्स्ट लेयर के बाद अभी वही 2B पेंसिल से मैं यहाँ पर सेकेंड लेयर दे रहा हूँ। तो सेकेंड लेयर में देखो सेम एंगल को फॉलो करो, लेयर्स में इसलिए देना है ताकि पूरा जो शेडिंग है वो फाइनल में जाके बहुत स्मूथ बने। इस टेक्निक में आप लोग को कोई ब्लेंडिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ता, आप लोग सिर्फ पेंसिल से ही बहुत स्मूथ ऐसे ड्राइंग कर सकते हो। तो देखो सेम वही 2B पेंसिल से मैं अब सेकेंड लेयर दे रहा हूँ और छोटे छोटे जो डिटेलिंग्स है उसमें और भी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। देखो जो छोटे छोटे पोर्स है पेपर का वो सब मैं भरने की कोशिश कर रहा हूँ और जो शेडिंग मूवमेंट है वो सेम है। फोरहेड के बीच के पोर्शन में ऐसे हॉरिजॉन्टल और साइड में एंगुलर, किसके नहीं देना है, सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स करके आप लोगों को शेड्स जो है वो बनाना है। अब देखो मैं ऊपर का तो स्किन का पोर्शन कर लिया, अभी आंखों का जो आसपास का पोर्शन है उसको शेड दूंगा। एक बात हमेशा याद रखना, आईब्रो, आईज, ये सब स्किन के पहले ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे आप लोग समझो ना कि स्किन के ऊपर आईब्रो आता है, आईब्रो के ऊपर स्किन नहीं। तो जब आप लोग पहले आईब्रो ड्रॉ कर लोगे और बाद में स्किन करने जाओगे तो आईब्रो के साइड में एक ऐसा बॉर्डर क्रिएट हो जाता है जो गंदा दिखता है। ओके, तो पहले स्किन को ड्रॉ करो जो नीचे आता है और उसके बाद उसके ऊपर आईब्रो को ड्रॉ करो, तो ऐसा आउटलाइन क्रिएट नहीं होगा। सेम आँखों के लिए भी है, आँखों के आसपास को थोड़ा पहले शेड कर लो, फिर आँखों का जो आउटलाइन है ऊपर नीचे वो सारी चीज़ें बाद में करो, तो ज़्यादा रियलिस्टिक फील होता है, ज़्यादा नेचुरल दिखता है और पूरा ड्राइंग ऐसे नेचुरली निखर के आता है। तो ये ज़रूर ध्यान में रखना है, यहाँ पर बहुत लोग गलती कर बैठते हैं, पहले आँखों के पीपल से शुरू करते हैं, थोड़ा स्किन को कर लो आसपास का, उसके बाद जो डार्क एरियाज है जैसे कि आँख हो गया और आईब्रोज है वो बाद में करो। ओके, तो देखो आसपास का स्किन ऑलरेडी कर लिया है मैंने, अब जाके आईब्रोज कर रहा हूँ। इसमें कोई ऐसे बॉर्डर क्रिएट नहीं होता, रफली पूरा जो एज लाइन है आईब्रोज का वो बहुत स्मूथली स्किन के साथ मैच होता है। तो ये मैं 4B पेंसिल्स का दूँ, फर्स्ट लेयर है ये, इसके बाद सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर भी मैं बाद में दूंगा ताकि एक्चुअल जो डार्कनेस है रेफरेंस फोटो के साथ वो मिला के वो डार्कनेस लाया जा सके।
अब देखो आईब्रोज में फर्स्ट लेयर कंप्लीट है, अब मैं क्या करूँ, नीचे का जो स्किन का पोर्शन है उसमें देखो आँख का जो कर्व है उसको मिलाते हुए सेम कर्व में मैं शेड दे रहा हूँ 4B पेंसिल और 8B पेंसिल से, ताकि वो एरिया डार्क हो जाए। हम लोग स्किन को ज़्यादा ही ज़्यादातर टाइम वाइट छोड़ देते हैं, शेड देने में कतराते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। स्किन में भी ऐसे डार्कनेस डेप्थ दोगे तो और अच्छा दिखेगा, हाइलाइट्स और भी अच्छे से निखर के आएगा। तो अब देखो मैं आँख में फर्स्ट टोन दे रहा हूँ, इसे भी मैं 8B पेंसिल से ही कर रहा हूँ, पर ज़्यादा डार्क अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसे बाद में मुझे स्मूथली स्किन के साथ मिलाना भी है। जो ग्रेडियंट है उसे भी अच्छे से दिखाना है ताकि कोई रफ ऐसे आउटलाइन ना क्रिएट हो, स्मूथली डार्क से लाइट एरिया और लाइट से डार्क एरिया का एक ऐसे जो ग्रेडियंट है वो अच्छे से बन जाए। तो देखो ये फर्स्ट लेयर है, रेफरेंस फोटो को देखो बहुत एकदम ब्लैक है, तो वो बाद में करूँगा। किसी भी आउटलाइन ड्राइंग में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है एंगल, दूसरा चीज़ है वैल्यू, मतलब कि कहाँ पर कितना डार्क है, ठीक है। और एंगल मतलब कहाँ पर किस एंगल में शेड देना है, उसे आप लोगों को अच्छे से समझना है। या पर सिंप्लीफाई करके पहले समझो कि जनरली फेस का कौन से एरिया में किस एंगल में शेड होता है, और उसके बाद आप लोग रेफरेंस फोटो को देखकर उसके साथ मैच करो, थोड़ा अगर चेंज करना पड़े तो चेंज करो। या पर आई होप अच्छे से आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं कौन से एरिया में किस एंगल में शेड दे रहा हूँ, उसे आप लोगों को फॉलो करना है। और उसके साथ वैल्यूज़ मतलब कहाँ पर कितना डार्क है, कहाँ पर कितना लाइट है। ज़्यादातर जो बिगिनर है उन्हें क्या प्रॉब्लम होता है, एक वो ऐसा कर देते कि ज़्यादा ही डार्क हो जाता है, या फिर ऐसा कर देते कि ज़्यादा ही लाइट हो जाता है। जो मिड टोन है मतलब डार्क एरिया और लाइट एरिया का मिड टोन वो लोग कम करते हैं, फेस ज़्यादा ही वाइट दिखता है, और जो ब्लैक बाल है या फिर आईब्रोज है आईज है वो ज़्यादा ही ब्लैक दिखता है। स्किन का जो वाइटनेस है उसमें भी बहुत ऐसा टोन है, रेफरेंस फोटो में आप लोग देख सकते हो एक ग्रेइश टोन है, एक शाइनी लुक है, वो आप लोगों को ज़रूर नोटिस करके देना है। तो आँख में देखो मैंने फर्स्ट लेयर में दे दिया था फर्स्ट टोन, अब वही 8B पेंसिल से सेकेंड टोन दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो जो पेंसिल है वो सुपर शार्प होना चाहिए, ये एकदम फर्स्ट कंडीशन है, पेंसिल सुपर शार्प होना चाहिए, और जो पॉइंट है उससे आप लोगों को उसको यूज़ करते हुए शेड देना है। प्रेशर नहीं इस्तेमाल करना है, छोटे छोटे ऐसे स्ट्रोक्स देकर जो टोन है उसे लाना है। तो यहाँ पर देखो आँख का जो वाइट पोर्शन है उसे मैंने एकदम ही वाइट नहीं छोड़ दिया, उसमें मैंने एक हल्का टोन दिया पहले, फिर उसमें थोड़ा एरिया इरेज करके ऐसे एक वाइट हाईलाइट लाया ताकि पूरा एरिया और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखे, ठीक है। आई बॉल में भी सेम किया, पूरा आई बॉल को एकदम ब्लैक नहीं कर दिया, आई बॉल में भी देखो अच्छे से अगर देखोगे दो ऐसे टोन हैं, एक एकदम पीच ब्लैक, दूसरा एक ब्लैक से थोड़ा हल्का, ताकि आई बॉल का एक ऐसे ओवल शेप अच्छे से समझ आए। ओके, तो अब नीचे का स्किन के पोर्शन में देखो ऐसा मैं डार्क टोन दे रहा हूँ, जो काजल का वो काली है मतलब ऐसे जो वैल्यू है वो यहाँ पर बना रहा हूँ। एंगल्स को फॉलो करो, शेड देखो छोटे छोटे स्ट्रोक्स में दे रहा हूँ, कोई ब्लेंडिंग नहीं, कोई घिसने की ज़रूरत नहीं है। टाइम ज़्यादा ज़रूर लगेगा इस प्रोसेस में, पर आपका ड्राइंग और भी ज़्यादा अच्छा बनेंगे फॉर श्योर। और जो भी लोग इस तरीके से मतलब आप लोगों को जो जो ड्राइंग्स अच्छा लगता है देखना, उनके ड्राइंग्स में वो जो शेड्स है स्ट्रोक्स है वो बहुत ही अच्छे से किया हुआ होता है, ब्लेंडिंग में ज़्यादातर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं अच्छे आर्टिस्ट, मतलब जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। ब्लेंडिंग कम करो, शेडिंग में ज़्यादा फोकस करो, स्ट्रोक्स को बिल्ड करो, और डार्कनेस और लाइटनेस को समझो, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट आई को जैसे मैंने किया राइट आई में भी सेम वैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा। स्टेप्स को अच्छे से देखो, मैं बहुत ही ऐसे पास से दिखा रखा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। ओके, thank you.
सो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं स्किन का पार्ट और आईब्रोज आईज ये सब कैसे ड्रॉ किया। आईज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ड्रॉइंग का। इस ड्राइंग में भी देखो रेफरेंस पॉइंट के साथ मिला के कितना ब्यूटीफुली पूरा आइस का जो है ऐसा फील है पूरा वो निखर के आया है। तो रेफरेंस फोटो जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा आउटलाइन ड्राइंग के ऊपर, तो थोड़ा रुक जाना, उस वीडियो को देख कर ही आप लोग आउटलाइन ड्राइंग करना, फिर इस वीडियो का जो शेडिंग है वो देख कर शेडिंग शुरू कर देना। आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ कि सिर्फ देखने से पूरा सीरीज कुछ नहीं होगा, आप लोग धीरे धीरे मेरे साथ शेडिंग करो तो आपका जो रियलिज्म का स्किल है वो डेफिनेटली एक लेवल हायर चला जाएगा। ओके, तो जरूर रेफरेंस फोटो को डाउनलोड करके रख दो और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो लोग रियलिज्म को अच्छे से धीरे धीरे एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीखना चाहते हैं। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। सो फॉर नाउ आई एम दीप साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक।